हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवेन एनीथिंग। आज देखिए, मैं आपके लिए एक कलर में एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। और इसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है। देखिए, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए, आज हम इसको बनाना सीखेंगे। सब्सक्राइब करें अवीना नीटिंग को और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसको बनाने से पहले चलिए इसके फंदों का हिसाब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चार के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और तीन फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, दो एस स्टिच के फंदे रखने हैं। तो यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में से अप्लाई करें जो चार के मल्टीपल में फंदे लें और टोटल पांच फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका पैटर्न फिट आएगा। तो चलिए, इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। और 8 सिलाई का हमारा है पैटर्न है, देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ चार के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और तीन फंदे, पांच फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। यानी कि ये देखिए, ये हमारे टोटल 17 फंदे हैं। तो चलिए, इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पहला फंदा एस स्टिच का ऐसे बगैर बुना उतार लेंगे, अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाले फंदे में से हमें पांच फंदे बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए, टोटल हमने ये पांच फंदे बना लिए। अब देखिए, तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदे में से पांच फंदे बनाएंगे। तो देखिए, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने बना लिए। अब फिर से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, अब देखिए एक फंदे में से पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से इसी तरह से पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, लास्ट का फंदा एस स्टिच का है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो सिलाई देखिए, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। देखिए, पहला फंदा एस स्टिच का है, इसे बगैर बुना उतार देंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये जो पांच फंदे हमने बनाए थे ये इधर से हम उल्टे बुनेंगे। तीन फंदे ये सीधे बुनेंगे, फिर से पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तीन फंदे सीधे बुनेंगे, पांच फंदे उल्टे। तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और लास्ट का स्टिच का फंदा है इसे हम देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं सीधी सिलाई में। पहला फंदा बगैर बुना उतार देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पांच फंदे सीधे बुनेंगे, देखिए तीन फंदे उल्टे बुनेंगे,
पांच फंदे सीधे बुनेंगे। तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे। पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है हमें। देखें, एक फंदा उल्टा और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए सिलाई हमारी यहीं कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई हमारी वही सेकंड रो की तरह, देखिए एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक ये तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे और यहाँ पर तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा है ये उल्टा बुना जाएगा। तो ये सिलाई यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम सीधी सिलाई में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हम दो फंदों का एक करेंगे, तो ये फंदा सामने लाते हुए ऐसे पलट देंगे और दो फंदों का हम यहाँ पर देखिए एक कर देंगे। एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो फंदों का यहाँ पर हम एक करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए दो तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर से यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे, फंदे को सामने लाएंगे और दो का एक कर देंगे। एक फंदा बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से दो फंदों का एक करेंगे, फंदे को सामने लाते हुए करेंगे। एक फंदा बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा लास्ट का सीधा बुनेंगे। तो ये सिलाई भी यहीं पर हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में ये फंदा बगैर बुना उतार देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमारे पास यहाँ तीन फंदे बचे हैं पांच में से, तो हम ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और लास्ट का एक फंदा उल्टा। अब देखिए सिलाई यहीं पर कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब देखिए फ्रेंड इस सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमारा ये जो पत्ती हमने बनाई है यहीं पे ऑफ होगी और उसके बाद एक और पत्ती इसी सिलाई से बननी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, ये फंदा बगैर बुना उतार देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे और इस फंदे को हम इस पर से उतार देंगे। तो ये हमारे तीन फंदों का एक फंदा बन गया है। आप देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो पीच वाला फंदा उल्टा है इस पे हमें पत्ती को स्टार्ट करना है। तो फिर से वही एक फंदे में से पाँच फंदे बनाएंगे। तो एक, दो, तीन, चार,
और ये पांच, ये देखिए पांच फंदे हमने बना लिए। एक फंदे में से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, दो का एक करेंगे, इस फंदे को इस पर से उतार देंगे ताकि ये हमारी पत्ती की तरह बन जाए। तो देखिए अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे में से इस उल्टे फंदे में से जो बीच का फंदा है फिर से पांच फंदे बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पांच, और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतार देंगे, दो का एक कर देंगे, इस पत्ती को इस पर से फंदे को इस पर से उतार देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से एक फंदे में से पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतार देंगे, दो का एक करेंगे, इस फंदे को इस पर से उतार देंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, और ये लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये सिलाई भी देखिए यहीं पर कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे। अब ये जो पत्ती के ऊपर वाला फंदे हैं, देखिए ये तीन फंदे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अब हमारे इधर से सीधे बुने जाएंगे, तीन फंदे सीधे, और ये पांच फंदे उल्टे रहेंगे। तो एक दो तीन चार पांच, अब देखिए तीन फंदे उल्टे, ओ सॉरी इधर से सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये सिलाई भी यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए पहला फंदा बगैर बुना उतार देंगे, एक फंदा उल्टा, सॉरी तीन फंदे बन चुके हैं यहाँ पर, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा लास्ट का सीधा। ये सिलाई भी यहीं कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। पहला फंदा बगैर बुना उतार देंगे, एक फंदे तीन फंदे सीधे यहाँ पर, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब फ्रेंड्स क्या करना है, पहले फंदे को बगैर बुना उतार देंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, अब दो का फंदों का एक करेंगे, तो फंदे को सामने लाते हुए इस तरह से दो का एक कर देंगे, एक फंदा बुनेंगे, उससे दो का एक कर देंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, सामने लाते हुए दो फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा लास्ट का ये सीधा बुन लेंगे।
आप देखिए उल्टी सिलाई में एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, लास्ट का फंदा है इसे उल्टा बुन लेंगे तो आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब देखिए हमारे डिज़ाइन की आखिरी सिलाई है, पहला फंदा बगैर बुना उतार देंगे, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब फिर से हमारा यहाँ से यही पत्ती बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फंदे में से जो बीच का उल्टा फंदा है इसमें से हम एक के पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने देखिए बना लिए। अब हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, दो फंदों का एक करेंगे ठीक है ऐसे, और इस फंदे को इस फंदे पर से उतार देंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे में से पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को बगैर बुना उतार देंगे, दो फंदों का एक करेंगे, इस फंदे को इस पर से उतार देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे में से पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे, दो फंदों का एक करेंगे, इस फंदे को इस पर से उतार देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, देखिए एक फंदे में से पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, लास्ट का फंदा इसे सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बनने के बाद ये ऐसे लगता है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊँगी फिर से एक नया पैटर्न लेकर आपकी खिदमत में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।